गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. कल हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में. आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में. जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ होता है उसके दो पहलू होते हैं, कॉइन के दो साइड्स होते हैं. उसी तरह मल्टीलिंगुअलिज्म के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो आज हम उसके बारे में जानेंगे. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. सबसे पहला पॉइंट है हमारा, न्यू लैंग्वेज कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ अ स्टूडेंट्स. जहाँ हम बात करते हैं कि बच्चों को नए नए लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, वहीं बच्चे अगर नए लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो शिफ्ट करते रहता, उसका फ्लक्चुएट करते रहता फोकस. उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सा लैंग्वेज क्या है और कौन सा किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए. तो ये फोकस जो उनका है हमेशा शिफ्ट होते रहता है. सेकंड पॉइंट है प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में देखा गया है. अगर वो मल्टीलिंगुअल होते हैं तो उनको प्रोनंसिएशन में बहुत दिक्कतें होती हैं. किस चीज़ को कहीं कुछ और बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में अगर शी होता है तो हिंदी में उसको वो हिंदी को अगर कहीं पे स है तो उसे वो प्रोनाउंस श करते हैं. ये प्रोनंसिएशन दो लैंग्वेज को मिक्स मैच कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे प्रोनंसिएशन में भी गलती करते हैं. थर्ड पॉइंट है, यू कैन स्टार्ट टू मिक्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस टुगेदर. जैसे कि मैंने कहा कि प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो साथ ही साथ दो लैंग्वेज को वो मिक्स करने लगते हैं. दो लैंग्वेजेस को वो समझ नहीं पाते हैं कि किसको क्या बोले, तो उसी बीच दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं. हिंदी में इंग्लिश डाल देते हैं और इंग्लिश को हिंदी में डाल देते हैं. आजकल के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है, स्कूल के बच्चों में, कि वो मिक्स मैच करके बोलते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता है कि मदर टंग कहाँ यूज़ करना है और कहाँ पे उसको स्कूल लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज यूज़ करना है या कहाँ पे इंग्लिश हिंदी यूज़ करना है. नेक्स्ट पॉइंट है, माइट बी लैक ऑफ स्किल एजुकेटर्स. अगर हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल की तो उसके सिखाने वाले भी ज़रूरत है. अगर लैक होता है एजुकेटर के पास ही, अगर सिखाने के लिए उसको मल्टीलिंगुअल को सिखाने के लिए उसके पास अगर कोई सोर्स नहीं है या उसको खुद को नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे सही मल्टी लैंग्वेजेस नहीं सीख पाएंगे. तो इसमें दिक्कत हो जाती है. अगर एजुकेटर को ही पता ना रहे कि वो कौन सा लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसके लिए एजुकेटर को बहुत ही फोकस करना पड़ेगा कि वो अपने जो सब्जेक्ट है उसको सही तरीके से जाने, उसमें लैक ना करें. नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेरियोटाइप पीपल अपोज एनी एफर्ट टू स्पीक एनीथिंग अदर देन द फर्स्ट लैंग्वेज. ये बहुत जगह देखा गया है कि जब मल्टीलिंगुअल की बात हो रही थी पहले, तो इसको अपोज किया गया था. एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था, इसको अपोज करने वाले भी बहुत थे. अपोज किया गया था कि अगर कंप्यूटर आ गया तो मैन पावर जो है वो घट जाएगा, आदमी कहाँ जाएंगे, तो इसका अपोज किया गया था. इसी तरह से जब थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था स्कूलों में मल्टीलिंगुअल को, तो उसमें भी अपोज करने वाले बहुत थे कि अगर बच्चे दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो उनकी जो मदर टंग है उसको इफ़ेक्ट होगा और बच्चे अपने मदर टंग को नहीं सीख पाएंगे. तो ये इश्यूज़ हमेशा चलती रही हैं. तो आज हम लोगों ने देखा कि एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. तो दोनों पहलुओं को साथ लेते हुए हमें कोशिश करना है कि जो भी शिक्षा दे वो सही दे. धन्यवाद.